क्लोजिंग है आप फिल्मों के लिहाज से जी, तो बहुत अंतराल रहता है आपकी, अगर अगर हमने परिणाम देखे उसके बाद आप क्या करेंगे, तो यू वेरी चूजी विथ योर फिल्म्स ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन योर फिल्म्स एंड स्पेशली व्हेन द मेकर ऑफ द फिल्म अप्रोच यू, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? देखिए ऐसा क्या होता है कि लोग समझते हैं कि मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत अकलमंद समझता हूँ अपने आप को कि मैं बैठे बैठे स्क्रिप्ट पढ़ता रहता हूँ, मैं 50 स्क्रिप्टें मना करता हूँ उसके बाद मैं एक चुनता हूँ, तो इसके पीछे सोच क्या रहती है? पर हकीकत बिल्कुल ही विपरीत है, कोई ये समझ नहीं सकता कि मैं फिल्म करता हूँ या प्रोजेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं चले जाता हूँ छुट्टी पे, फिर मैं वापस आता हूँ, कोई मुझे भेज देता है पढ़ता हूँ, मैं कहता नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, फिर कोई मुझे और भेजता है, बताऊँ इंटरेस्टिंग लग रही यार एक काम करते हैं मिल लेते हैं, मिलते हैं बोलते राजीव ऐसे ये प्रणाम मिले, मैंने कहा कुछ डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है, चलिए करते हैं। तो मैं ना ज़्यादा सोचता हूँ ना मैं इतनी दिमाग लगाता हूँ या कैलकुलेशन लगाता हूँ कि यार ये फिल्म आएगी फिर क्या होगा, मैं कैसे प्रोजेक्ट होऊंगा, मैं कितना दिखूंगा, ये सब कैलकुलेशन मैं कभी नहीं करता हूँ, ना मैंने तब की थी जब मैं इंडस्ट्री में आया था और ना अब की जब मुझे 18 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं अब भी वो कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, मैं अब भी अपने गट से जाता हूँ, इंस्टिंक्ट से जाता हूँ कि यार मुझे करना चाहिए और मैं कर लेता हूँ। कभी कभी वो सराहे जाते हैं, कभी कभी वो एक्चुअली ऐसा बहुत कम है कि सराहे नहीं गए हों, चले कम हो, लेकिन वो चलाना और जो फिल्म का जो कलेक्शन होता है वो अक्सर प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, किस तरह से फिल्म रिलीज़ की जाती है, कितने पैमाने पे, मुझे नहीं याद है कि मेरी कोई भी फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ की गई हो और फिर उस फिल्म में ज़ीरो कलेक्शन किया हो। आई थिंक कुछ फिल्में बड़े जो क्या कहूँगा मैं जो थोड़ी बड़ी रिलीज़ हुई उन्होंने बड़ी ऑडियंस मिली, जैसे शैतान हो, टेबल नंबर 21 हो, आमिर हो, फीवर जैसी फिल्म जिसे बहुत बड़ी रिलीज़ नहीं मिली तो उसे ऑडियंस भी कम मिली। तो आई थिंक मैं अपने गट से जाता हूँ कि स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो आप कर लो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फिल्म्स हो, मेरे लिए वो प्रोजेक्ट होता है। मैं कभी नहीं सोचता कि यार मुझे अब फिल्म करूँ कि अब वेब करूँ, आई थिंक इट्स अ प्रोजेक्ट दैट मैटर्स टू मी। जो नज़र हमारी जाती है ट्रिब्यूट टू क्लासिकल एरा जी, तो सर सबसे पहले बताइए कि कैसे ट्रिब्यूट देने वाले हैं और थोड़ा सा फिल्म के बारे में अगर ऑडियंस को बताएं। ये प्रणाम फिल्म है जो कि एक बहुत छोटा सा अटेम्प्ट है उस एरा को क्या कहूँ श्रद्धांजलि देने का या ट्रिब्यूट देने का जो 70 के दशक में और 80 के दशक में था, जिसे क्लासिक एरा कहा जाता है। क्लासिक एरा मतलब जहाँ पर कल्ट फिल्में बना करती थी, एक विशेष किस्म की फिल्म बना करती थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट था या जो हीरो था वो हीरो हालात से निकला हुआ, हालात उसे हीरो बनाते हैं, वो हीरो पैदा हीरो नहीं होता। तो वही एक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, कहानी कहने का जो अंदाज़ है वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। 2019 की कहानी है ये, कहानी 1980 की नहीं है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग का जो एक फॉर्मेट है, एक स्टाइल है, वो क्लासिक एरा की आपको याद दिलाएगा, जहाँ पर ड्रामा था, मेलो ड्रामा था, जहाँ पर एक्शन था, जहाँ पर रियल एक्शन था, जहाँ पर मेलोडी थी गानों के अंदर, जहाँ पर इमोशंस थे। सो आई थिंक दैट होल थिंग, ये जो फिल्म है या जो आजकल की जो फिल्में आ रही हैं उनकी पेस थोड़ी सी धीमे कर देगा, आपकी जो पेस जिस पेस से हम फिल्मों को देखते हैं ये पेस को थोड़ा धीरे कर देगा और शायद ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए। समीक्षा आप बताइए किरदार के बारे में थोड़ा सा और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी अपने किरदार को लेकर। मैं हर कैरेक्टर में प्रिपरेशन करती हूँ लेकिन इसमें मुझे नहीं करनी पड़ी। आई थिंक मैं इस कैरेक्टर जैसी थी इसलिए संजीव जी ने मुझे सबसे पहले चूज़ किया और मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि जब लड़की आईएएस ऑफिसर बनना होता है या कोई एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं कितनी जद्दोजहद लगती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं होता। तो कैरेक्टर वॉज वेरी सिमिलर टू माई एक्चुअल लाइफ कैरेक्टर, एक लड़की है मिडिल क्लास की सिंपल लड़की है जिसके ड्रीम्स हैं आईएएस ऑफिसर बनना और एक लड़के से मिलती है उसको भी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है और वो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है, पियोन का बेटा है लेकिन बहुत मेहनती और सुलझा हुआ इंसान है, तो उसको लगता है लाइफ सिंपल लाइफ जा रही होती है, आईएएस ऑफिसर बन के शादी कर लेंगे, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब आखिर में क्या होता है आप 9 अगस्त को देखिए। रेफरिंग यू नो द प्रकाश मेहरा फिल्म और मनमोहन देसाई दीवार की हम बात करें, हमारे ध्वनि की बात करें, अलग ही खराबी की बात करें और आपने बच्चन साहब का जिक्र भी किया था और आपने कहा कि यू वांट हिम टू सी द फिल्म पढ़ना। सी द थिंग इज इट आई वुडंट कॉल इट प्रकाश मेहरा टाइप ऑफ फिल्म बट मोर अबाउट हाउ आई डोंट नो
से राजकुमार संतोषी अपने अर्लियर टाइम में जो वो फिल्में थे, मैं बताता हूँ आपको, अर्जुन, दीवार, तेजाब, राम लखन, घायल, ये जो फिल्में थी ये कल्ट फिल्में थी जिन्होंने एक क्लासिक एरा का, जहाँ पर हीरो हालात से पैदा होता है, हीरो हीरो नहीं होता है, और किसी न किसी मुद्दे को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में भी 2019 में अभी मैं 3-4 महीने पहले खबर पढ़ रहा था जहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर्स लीक हो गए थे, तो वो पेपर लीक का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी भी उतना ही क्या बोलते हैं उसको, फैला हुआ है। मतलब हर साल हम पढ़ते हैं, सोचते हैं कि अब खत्म होगा, लेकिन हर साल ये पेपर लीक का कांड हो जाता है। तो आई थिंक वही मुद्दा है जो इस फिल्म में एक सेंट्रल मुद्दा है, और हीरो जो एक सपने लेके आगे बढ़ रहा होता है, एक IAS बनने के सपने उसके थे बचपन से, अपने बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है,